एनबीसी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं अदिति राठौर आपके साथ। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मायावती की चेतावनी, मध्य प्रदेश राजस्थान में दलितों के केस वापस नहीं लिए तो समर्थन लेंगी वापस। अप्रैल 2018 में भारत बंद के दौरान हुई थी हिंसा। बसपा प्रमुख मायावती ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है कि अगर अप्रैल 2018 के भारत बंद के दौरान जातिगत और राजनीतिक द्वेष से फंसाए गए लोगों के केस वापस नहीं लिए गए तो उनको समर्थन करने के फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। भारत बंद के दौरान इन दोनों राज्यों में हिंसा और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। एसटीएससी कानून में 1989 और सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण की पूर्ण रूप से बहाली की मांग को लेकर 2 अप्रैल 2018 के किए गए भारत बंद के दौरान भाजपा शासित राज्यों में से मध्य प्रदेश और राजस्थान में राजनीतिक द्वेष के तहत की गई कार्रवाई में निर्दोष लोगों को फंसाया गया, इसीलिए उनके ऊपर चल रहे मामले को कांग्रेस सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव में 25 करोड़ और 24 साल तक के युवा लेंगे भाग, और युवाओं पर ही है 2019 पीएम के चुनाव का दावेदार। गुजरात के स्कूलों में हाजिरी का नया तरीका। जय हिंद जय भारत माता की बोलने पर ही लगेगी हाजिरी। नए साल के पहले ही दिन से गुजरात बोर्ड के स्कूल में विद्यार्थियों की हाजिरी का तरीका भी नया हो जाएगा। कक्षा में हाजिरी भरवाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेजेंट सर या यस सर की जगह जय हिंद जय भारत माता बोलना होगा। गुजरात सरकार ने राजस्थान के जालौर के रालोद गांव निवासी शिक्षक संदीप जोशी के सुझाव पर यह नवाचार लागू किया है। दरअसल शनिवार को अहमदाबाद के साबरमती रीवा फ्रंट के किनारे पर यशवंत राव केरल राष्ट्रीय युवा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ था। सम्मान के लिए रेवत गांव में इतिहास के विख्यात संदीप जोशी को भी बुलाया गया था। उस समय जोशी ने अपने नवाचारों की जानकारी दी। मंच पर मौजूद गुजरात के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने इसकी सराहना की और सोमवार को सरकार ने इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए। 40 साल से 10 रुपए में गरीबों का इलाज करने वाले डॉक्टर जैन का सोमवार को निधन हो गया। जिले में 40 साल से 10 रुपए में लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर जैसी जैन का 84 वर्ष की आयु में सोमवार को निधन हो गया। करौली में जन्मे डॉक्टर जैन की अंतिम यात्रा में कई ग्रामीण लोग शामिल हुए। 1959 में गोल्ड मेडलिस्ट जैन झुंझुनू के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बने। 1975 में नौकरी छोड़कर झुंझुनू में ही क्लिनिक खोला। तब से वही मरीजों का 10 रुपए में इलाज कर रहे थे। नए साल में बॉलीवुड में होगी नए स्टार किड्स की एंट्री। इस साल कुछ स्टार किड्स डेब्यू करने के लिए रेडी हैं। चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे साल 2019 में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से शुरुआत करने जा रही हैं। सनी देओल का बेटा करण भी पल पल दिल के पास से डेब्यू करने को तैयार है। एक्ट्रेस नूतन की पोती और मनीष बहल की बेटी प्रनूतन बहल भी इसी साल नोटबुक से आगाज करेंगी। वहीं अमरीश पुरी का पोता वर्धन पुरी भी एक पीरियड फिल्म से एंट्री करने को तैयार हैं। इनके अलावा श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर भी इस साल करण जौहर की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। सोनाली बेंद्रे न्यू ईयर और बर्थडे के मौके पर करेंगी बुक क्लब वेबसाइट लॉन्च। नए साल के पहले ही दिन यानी कि 1 जनवरी को सोनाली बेंद्रे का जन्मदिन भी आता है। कैंसर का मुंहतोड़ जवाब देने वाली इस शख्सियत ने आराम के बजाय काम को तरजीह दी है। वे अपने जन्मदिन पर एक बुक क्लब वेबसाइट लॉन्च कर रही हैं। उस वेबसाइट का पता www.sonalibookclub.com है। उसका एक ही मकसद है कि पढ़ाकू प्रेमियों को पढ़ाई लिखाई से लेकर राइटिंग तक की ख्वाहिश पूरी करवाना। इस वेबसाइट पर किताबों से लेकर बेहतरीन राइटरों के मास्टर्स क्लासेस और सेमिनार होंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए NBCNews24.com। नमस्कार।